बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। AQ हांडी चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप AQ हांडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में याद रखें। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये है चिकन के सॉरी बीफ के सैंडविच बना रहे हैं हम। बीफ की हम एक पैटी तैयार करेंगे, उससे हम फिर सैंडविच बनाएंगे। ये बीफ का कीमा ले लिया था मैंने, इसमें मैंने तकरीबन ये है 250 ग्राम्स, 250 ग्राम कीमा है। इसमें मैंने थोड़ा सा फैट भी यूज़ किया है, और ताकि वो एक जूसी सा फ्लेवर आए। और उसमें मैंने यूज़ किया था एक छोटा प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के पीस कर उसको डाल दिया पानी खुश करके, और नमक, और नमक हसबे जायका डाला। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डाली, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, और 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, और नमक हसबे जायका, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला खुशबू के लिए। ये मैंने तैयार कर लिया कीमा। ये है चेडर और मोजरेला चीज़। चेडर और मोजरेला चीज़ ये तकरीबन 2 2 खाने के चम्मच है, मिक्स ले लिया है मैंने, और ब्रेड स्लाइस। और ये है आयत कुकिंग ऑयल, मलेशियन ब्रांड है, कैलेस्ट्रॉल फ्री है, जानिक सेहत के असूलों के मुताबिक इसको तैयार किया गया है। और इससे हम ये पैटी फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें ब्रेड में भी लगाएंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बीफ चीज़ सैंडविच। ऑयल ले लिया मैंने तवे पर, और बीफ की जो पैटी मैंने बनाई है ये साइज़ रखा है मैंने, इतना बड़ा सैंडविच के लिए, सैंडविच का साइज़ है, इसलिए मैंने इसको बड़ा बना दिया है। ये दूसरा, इससे हमारे तकरीबन 4 सैंडविचेस बन जाएंगे। शैलो फ्राई करने हैं। 5 पैटी बन गए हैं इसमें, 4 बड़े बड़े हैं, ये एक छोटा सा बना लिया मैंने, जो बाकी बच गया उसको भी मैंने डाल दिया, टर्न कर दिया मैंने। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी, और फिर हम इसकी करेंगे फैमिली। मायोनीज भी चाहिए, मायोनीज बताना भूल गई थी मैं, मायोनीज भी चाहिए जो हम स्लाइस पे लगाएंगे, ब्रेड स्लाइस पे। आपकी मर्ज़ी, आप केचप भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मायोनीज ले ली मैंने, मायोनीज लगाएंगे हम पहले थोड़ी सी चीज। ये मोज़रेला और चेडर मिक्स है, ये पैटी। दूसरे स्लाइस पे भी मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ मेयोनीज, थोड़ा सा। इसमें मैं कोई वेजिटेबल वगैरह यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि अक्सर बच्चों को पसंद नहीं होती, लेकिन आप इस तरह से अगर उनको वेजिटेबल डाल के दें तो वो लाजमी खा लेंगे। चीज़ पसंद है चूँकि, इसलिए मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ग्रेटेड चीज़ आप यूज़ करें, मेरे पास ग्रेटेड चीज़ है। ये मोज़रेला और चेडर मिक्स है, मोज़रेला और चेडर। इसको हम कर लेंगे इस तरीके से कवर, अच्छे से आप प्रेस कर दें।
अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर थोड़ा सा सेक लूँगी, और जैसे स्टीम लगाते हैं ना ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। दूसरा स्लाइस, दूसरा सैंडविच, इस पर भी मायोनीज लगा दी और चेडर चीज़, मक्खियाँ आ जाती हैं। चेडर चीज़ और ये पैटी, बीफ पैटी, और फिर हम दूसरे स्लाइस पर भी हल्की सी मायोनीज लगा देते हैं, लाइट सी, बस इतनी के फ्लेवर आ जाए। और इस पर मोज़रेला, चेडर चीज़। क्योंकि ये चीज़ी सैंडविच है इसलिए इसमें मैं इतना चीज़ यूज़ कर रही हूँ, बीफ चीज़ी सैंडविच। इसको मैं चीज़ मेल्ट करने के लिए पैन में रखती हूँ। फ्राई पैन, ये हमारा सैंडविच। थोड़ा सा मैं ऊपर डाल देती हूँ मेल्ट करने के लिए, थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। और इसको हम कर देंगे स्टीम, कवर कर देंगे। चीज़ मेल्ट हो गई, थोड़ा सा लगाया था ना मैंने, चीज़ मेल्ट हो गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं और आपको दिखाती हूँ ये सैंडविच। सैंडविच रेडी है, अब हम इसकी करते हैं कटिंग। शार्प से नाइस ही करेंगे, सॉफ्ट हैं, बहुत मज़े के बने हैं ये देखें। चीज़ी सैंडविच रेडी है और अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। चिकन चीज़ ओ बीफ चीज़ सैंडविच रेडी है। मैंने चिकन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना इसलिए चिकन ज़बान पे चढ़ जाता है। ये है बीफ चीज़ सैंडविच, और उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। AQ हांडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में AQ हांडी चैनल को याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो कपड़े वगैरह मुझे और